आज मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, और वो टॉपिक है हार्ट अटैक। आज ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक आ रहा है? आपने देखा होगा न्यूज में, पेपर में, कि अभी यंग लोगों को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का आ रहा है, लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम अभी लोगों को हो रहा है। तो आज मैं ऐसे आपको तीन रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक लोगों को आ रहा है। तो उससे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि जो हम पूरे दिन में जो खाना खाते हैं वही तो हमारी बॉडी को लगता है ना। आप जो अगर हेल्दी चीज़ खाओगे तो आपकी चीज़ बॉडी हेल्दी बनेगी, आप अनहेल्दी खाओगे आपका बॉडी अनहेल्दी बनेगा। तो उसमें ऐसे कौन से तीन पॉइंट है जो आप अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। नंबर वन है सॉल्ट, नमक। आप कितना नमक खा रहे हो उससे पता चलेगा आपका बॉडी कैसा बनेगा, कैसा आपका बॉडी हेल्दी रहेगा या अनहेल्दी रहेगा। तो WHO ने बताया था, वर्ल्ड की संस्था है, उसने बताया था कि हमारे एवरेज एक व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। अभी आप देखिए आप कितना नमक खा रहे हैं। मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज बताऊं, इंडिया में एक और भी सर्वे हुआ जहाँ पे पता चलेगा एक इंडिया में एक एवरेज व्यक्ति 11 ग्राम से ज़्यादा नमक खा रहा है। सोचिए WHO ने बताया उससे डबल। अभी सोचिए हमारी हेल्थ कहाँ पे रहेगी। नंबर टू शुगर, वो तो हम सब लोगों का फेवरेट है, आपको पता है। ऐसी कोई गली या ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जहाँ पे शुगर की दुकान नहीं होगी, मिठाई की दुकान नहीं होगी। हम खा रहे पूरे दिन, देखते नहीं कुछ भी अच्छा काम हुआ हम शुगर मंगवाएंगे, मिठाई मंगवाएंगे। पता है ना आप लोगों को कितना शुगर हमें खाना चाहिए? 30 ग्राम से कम शुगर हमें खाना चाहिए। और आप सोच लो आप दिन में कितना शुगर खाते हैं। आप इन्विटेशन लेके खड़े हो, आओ हमें लगो, बीमारी को बोल रहे हो आओ मुझे लगो, अगर आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं तो। ब्लड प्रेशर, BP, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब का इन्विटेशन आप दे रहे हो आप, अगर आप ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो। नंबर थ्री सैचुरेटेड फैट, कहाँ से मिलते हैं? एनिमल प्रोडक्ट से, अगर आप मीट वगैरह खाते तो वहाँ से सैचुरेटेड फैट मिलता है। और ये तीन चीज़ कहाँ से सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? प्रोसेस फूड, जो आप रात को खाने के लिए जाते हैं वहाँ से, पैकेट फूड। अगर आप ये तीन चीज़ आप देख रहे हो वहाँ पे नमक भी ज़्यादा, उसमें नमक भी ज़्यादा होगा, सैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा हो रहेगा और शुगर भी ज़्यादा रहेगा, और हम ठूसे ही जा रहे हैं हमारी बॉडी में। भगवान ने हमें बॉडी दिया कुछ भी ठूसने के लिए नहीं दिया, हमारी जिम्मेदारी बनती है उस बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। आप क्या खा रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट, आप क्या खा रहे हो वही आपकी बॉडी को लगेगा। अगर आपको ये सब बीमारी है तो कहीं ना कहीं आप ये सब की चीज़ खा ही रहे हो। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है तो आप देखो क्या आप ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, क्या आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं, क्या आप ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, चेक करो। और हमें सबसे पहले खाने के, जब हम खाना खाने बैठते तो हमें देखना है कि क्या हमारी ये में खाना जो खा रहा हूँ उससे मुझे क्या मिलेगा, हमारी बॉडी, मेरी बॉडी को क्या मिलेगा, ये हेल्दी हो रही है या अनहेल्दी हो रही है। मैंने क्या बताया आपको, सॉल्ट, शुगर और सैचुरेटेड फैट, ये तीन सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ये तीन बड़ी प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के लिए। मैं ऐसा नहीं बता रहा आपको नहीं खाना, खाना चाहिए, लेकिन कितना खाना है वो आपको पता होना चाहिए। तो आज से ये तीन चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, और जिन लोगों को नहीं पता उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्थ अच्छी हो सके। आपका किया हुआ शेयर किया हुआ वीडियो किसी की जान बचा सकता है। ऐसा नहीं, ये तीन चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, नींद कितना आप लेते हो, स्मोकिंग आप कर रहे हो, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे, ये सब चीज़ आती है। मैंने तो ये ओनली तीन पॉइंट ही बताए, लेकिन ये तीन सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप इसके ऊपर ध्यान रखिए ताकि आप भी हेल्दी रहो और आपकी फैमिली को भी हेल्दी रख पाओ। कुछ भी खाने के लिए हमारे बॉडी नहीं है, ये समझना ज़रूरी है आज। थैंक यू।